जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है और रात में हमें टूटते हुए तारे क्यों दिखाई देते हैं और कब ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लिए दिन 24 घंटा का न होकर 30 घंटे का दिन हो जाएगा और कौन सा ऐसा उल्का पिंड था जिसने इस दुनिया से डायनासोर का अंत ही कर डाला। आखिर वो कैसे अंत हो गए डायनासोर इस पृथ्वी से। देखिए, सौर मंडल में जो होता है ना, सूरज से सबसे नज़दीकी जो तारा है वो तारा बुध है, इसे हम लोग मरकरी कहते हैं। उसके बाद शुक्र यानी वीनस है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं अर्थ यानी पृथ्वी। इसके बाद मंगल आता है। मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के दोनों के ऑर्बिट के बीच, इनके कक्षाओं के बीच ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं सब। इन टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। ये सौर मंडल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं ये एस्टेरॉइड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने से इनका डायरेक्शन बदल जाता है और मंगल इन्हें अपनी ओर खींच लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है मंगल अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन मंगल भी क्या है, गतिशील है, तो मंगल आकर्षित करने के बाद अपने यहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि ये गति कर रहा है। मंगल उठ के यहाँ चला गया, अब ये बकलोलवा जो है ये आपका यहाँ से सीधे आके गिर जाता है पृथ्वी पर। तो ये जो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था, आपस में टकराने और दिशा भटकने और साथ ही साथ मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच के कारण ये कहां चलाता है, इस डायरेक्शन में, और पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है। तो इसे कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। अगर ये पृथ्वी पे गिर गया ना तो किसी को जान ले लेगा, और ये हमेशा गिरते रहते हैं, पर डे ये गिरते रहते हैं पृथ्वी पर। पता चला हमारे ऊपर गिर गया तो मर ही जाएगा आदमी, उतना भयानक दूर से गिरता है। तो इसके लिए हमारी रक्षा करने के लिए हमारे चारों ओर है वायुमंडल, एटमॉस्फियर है हमारे ऊपर, 640 किलोमीटर मोटी हवाओं की परत है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये अगर नहीं रहता तो हम सब मर जाते हैं। जब कभी भी क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इस पर हवाओं का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा, आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए ना, खूब स्पीड ट्रेन चल रही है उसमें से सर बाहर निकलिए, कितना हवाओं का दबाव लगेगा खूब स्पीड में। इसीलिए तो एरोप्लेन की खिड़की खुलती नहीं है, तो कोई बाहर मुड़ी निकालेगा फेंका जाएगा, इतना तेज घर्षण लगती है। बुलेट ट्रेन में से आप बाहर नहीं झाँक सकते, इतनी स्पीड रहती है। और इन लोग की तो स्पीड हजारों किलोमीटर रहती है, जिस वजह से ये घर्षण होने लगता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है 1500 से के 3000 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण ये जलने लगते हैं। और ये जलते हुए टुकड़े को हम कहते हैं उल्का। ये जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसकी कुछ ऐसे उल्का होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और पूरी तरह जले बिना ही ये पृथ्वी पर आके धबाक से गिर जाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो पूरी तरह से जलने लगते हैं, ये जहाँ गिरते हैं वहाँ भीषण तबाही लेके चले आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब कभी ये ज़्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं सब बहुत ज़्यादा एक साथ एकदम ग्रुप वाइज ग्रुप जब ये गिरने लगते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं लाइट शावर। लाइट शावर से क्या होता है, बहुत सारी रोशनी होने लगती है। ऐसी घटना अगस्त 2017 में हुई थी जब भारत में चोटी कटुआ का हल्ला हुआ था कि कोई आ रहा है महिलाओं का चोटी काट के चला जा रहा है। उसी समय एक और हल्ला हुआ था कि अगस्त के महीने में एक ऐसा दिन आएगा 11 अगस्त जब रात ही नहीं होगा। ऐसा नहीं था, रात होता, लेकिन उस समय घटना क्या होने वाली थी, लाइट शावर होने वाली थी। ये बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड गिरने वाले थे और जब वो जलने लगते तो एक रोशनी होता, बहुत बड़ा रोशनी नहीं होता लेकिन उसे लाइट शावर कहते थे। और इसे व्हाट्सएप पर ऐसा फैलाया गया जैसे लग रहा था कि रात ही नहीं होगा, रात हुई थी, बस हल्का सा रोशनी हुआ था। अफ्रीका के साइड में ये घटना देखने को मिली थी। जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये देख रहे ना, ऐसे गिरता है यहाँ पे, रात में आप भी देखे होंगे टूटता हुआ तारा, ये उल्का रहता है, इसे स्ट्रोटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। आप रात के समय इस तरह से स्ट्रोटिंग स्टार टूटता हुआ तारा देखे होंगे। लोग कहते हैं इसको देख के मन्नत मांगिए ना तो कुछ पूरा हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में लड़का सब मन्नत कौन सी मांगता है सर, कि भगवान बड़ी दिन से पीछे पड़े होकर ये बिरी फंसा दीजिए। अरे लोल कहीं का, ऐसा ऐसा मन्नत मांगता है सर, इस तार टूटल तारा थोड़ी है, ये तो क्षुद्र ग्रह जो घर्षण से क्या हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन जब कभी ये पूरी तरह जले बिना अब पूरी भड़ाक से पृथ्वी पे गिर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। ये बिहार में मधेपुरा के पास गिरा था, ये देखिए ये क्या है, उल्का पिंड है, इसे दे दिया गया था उल्का पिंड को। जब ये जल रहा है तो इसे कहते हैं उल्का, देखिए जल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, उल्का। और जल के जब ये पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ मेटर या मेट्रोइड के नाम से जाना जाता है। इसे बिहार के मुख्यमंत्री को भी सौंपा गया था, वो इसे म्यूजियम में रखवा दिए थे इस उल्का पिंड को। वर्तमान समय में जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पर कभी डायनासोरों का राज था, अगर वो नहीं मरते तो हमारे जीने के लायक पृथ्वी नहीं होती। तो आज पृथ्वी हमारे जीने के लायक है इसी उल्का पिंड के कारण है। इसका नाम था इजिप्टा, ये बहुत ही दूर से आ रहा था। ये इजिप्टा मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था और आपस
में टकराने से इसका डायरेक्शन बदला, मंगल खींच के आगे चला गया और ये सीधे आके गिरा था पृथ्वी के ऊपर। आप यहाँ देखेंगे तो ये उल्का पिंड आ रहा है, यहाँ पे गिरेगा तो इसके कई टुकड़े इधर हवा में बिखरेंगे और पूरे पृथ्वी पर ये भूचाल ला के रख देगा ये उल्का पिंड। ऐसी ही घटना हुई थी जब डायनासोर खत्म हुए थे, ये हवा में पूरा फैल गया था। ये आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ये इजिप्टा नामक इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा और इसने पूरे पृथ्वी का स्वरूप ही बदल दिया। ये वर्तमान मैक्सिको के पास गिरा था, जो मैक्सिको जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास वर्तमान समय में गिरा था और पूरी तरह से तबाही ला दिया था। यह जैसे ये पृथ्वी पर गिरा इतना बड़ा था कि ये जल के खत्म ही नहीं हुआ, इसका लगभग 10 गुना जितना दिख रहा है इससे 10 गुना बड़ा था, लेकिन कुछ भाग तो जल के खत्म हो गए थे। जैसे ये गिरा बहुत बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका था कि यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। सोचिए, एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम के बराबर यह धमाका था और इस धमाके के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी परत था वो विस्फोट करके उड़ गया। अब आप बताइए, कोई बिल्डिंग उड़ती है तो उसके तो ईंट पत्थर पूरे स्टोन भी बिखर जाते हैं और इसके पत्थर वगैरह हवा में उड़ गए। और जब ये हवा में उड़े तो जब वापस आए तो वो इतनी स्पीड में आए, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था कि जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनको तो वो हवा में ही मार दिया और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस और इस एरिया के जितने डायनासोर थे यहाँ के एरिया के वो सारे डायनासोर मारे गए। लेकिन ये तबाही का केवल एक ट्रेलर था, असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। इतना भीषण धमाका के बाद लगभग 10 तीव्रता का पृथ्वी पर भूकंप आया दूसरे साइड में और पृथ्वी के इतिहास में ये अब तक का सबसे भीषण भूकंप था। इतना भयानक भूकंप से पृथ्वी पर चहल पहल, जितनी भी बड़े बड़े जीव जंतु थे ये भूकंप के शिकार हुए और दब के मर गए। और आपको पता है, हम भूकंप चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं, भूकंप जब समुद्र के पास आता है तो वो ले लेता है सुनामी का रूप और ये समुद्र के पास ही आया हुआ था, मैक्सिको की खाड़ी में गिरा हुआ था, जिस वजह से यहाँ भीषण भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आ गई और सुनामी की लहरें जो आई पूरे समुद्र का पानी उठा के ले आके पटक दी और भीषण भूकंप आया, जितने डायनासोर थे सारे के सारे डायनासोर मारे गए और पृथ्वी के अंदर का जितने ज्वालामुखी थे वो विस्फोट करके उसमें से जहरीली गैसें निकलने लगी, रेडिएशन निकलने लगा, जिस वजह से जितने जीव जंतु थे उस वक्त के मारे गए थे, सारे के सारे जीव जंतु इन सारी घटनाओं का शिकार होकर मर गए। जो बच गए थे बड़े जीव जंतु वो भूख मरी से मच गए क्योंकि पृथ्वी पर अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, बचे तो केवल छोटे जीव जंतु जैसे चूहे वगैरह जो कहीं छुप के बैठ सकते थे, थोड़ा बहुत खा के जी सकते थे और उसके बाद धीरे धीरे मानव का आगे विकास हुआ। जब ये इजिप्टा नामक उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया था तो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में बहुत ज्यादा हलचल हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक पर्वत का निर्माण हो गया ऐसे टकराने के वजह से, झटका के वजह से। जैसे आपका घर एक घर दूसरे घर पे गिरेगा तो कहीं से एक तो दीवार निकल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत का निर्माण हो गया जिसकी मैं अभी इसी के एरिया पे आपका किलिमंजारो है और ये रिफ्ट वैली है। अब इस पर्वत के निर्माण ने पृथ्वी की सामूहिक संरचना को बदल दिया क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है, ये पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है जिस वजह से बारिश लाने वाली ज़्यादातर हवाएं जो हैं वो आपके इधर डायरेक्शन से आ रही थी यहाँ पर और ये पर्वत जो थी बारिश लाने वाली हवाओं को रोक दिया जिस वजह से मानसून नहीं आ पाया और अफ्रीका का ये भाग जो हरा भरा था जिसमें बहुत ज़्यादा जीव जानवर रह रहे थे वो पूरी तरह से मरुस्थल बन गया। अब ये जगह रहने के लायक नहीं हुआ, धीरे धीरे मरुस्थल हो गया जिसे आज हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं और यहाँ बंदरों की बहुत ज़्यादा प्रजाति थी। अब वो बंदरों को खाने के लिए जगह नहीं था तो वो बंदर अब ज़मीन पर उतरने लगे और इधर उधर जाके तलाशने लगे खाने पीने की। ज़्यादातर खाने की चीज़ें जो थी वो कुछ नदियों के किनारे मिल रही थी, यहाँ की सबसे फेमस नदी थी नील नदी, उसी के अगल बगल में बंदरों की प्रजाति थी। लेकिन बंदर कभी सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे क्योंकि उनका गर्दन जो था वो एकदम साइड में था। देखिए, जिस जानवर का गर्दन एकदम साइड में रहेगा ना वो जल्दी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ देखिए गाय का गर्दन, ये गर्दन है, यहीं पे सर शुरू हो गया है, गर्दन और सर एक सपाट रहेगा ना तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को खोपड़ी के बीच से जाना है। कुत्ता का देखिए गर्दन और सर एक साथ में है, पहले मानव का भी एक ही साथ था, यहाँ देखिए धीरे धीरे मानव का गर्दन धंसने लगा और जब ये मानव का गर्दन धंसने लगा तो ये मानव सीधा खड़ा होने लगा क्योंकि गर्दन हमारे बीच
में होना चाहिए, तभी सीधा खड़ा हो सकते हैं। अगर गर्दन साइड में रहेगा ना तो हम सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे, और जिनका गर्दन बीच में रहता है वही सीधे खड़े हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग को तकिया लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मानव धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो गया, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड यानी मानव जाति का झूला यानी पालना किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव की प्रजाति की शुरुआत हुई थी। बंदर कपी से हम लोग आज जाके हम लोग होमो सेपियन यानी मानव का वर्तमान रूप लिए हैं। लेकिन अपने टॉपिक पर चलते हैं, उल्का पिंड पर। इन उल्का पिंडों ने तो पूरे पृथ्वी से डायनासोर का सफाया कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उल्का पिंड केवल पृथ्वी पर असर डालते हैं, अन्य ग्रहों पर भी असर डालते हैं। तो इन उल्का पिंड का थोड़ा अन्य ग्रहों पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह थे वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में तो घूम रहे थे, इनके आने का भी दो डायरेक्शन होता है। पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन है, पृथ्वी ऐसे घूमती है। अगर ये पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में आ रहे हैं यानी जिधर पृथ्वी घूम रही है उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन्हें मेटियोर यानी उल्का कहा जाता है। अब चूंकि ये पृथ्वी के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, नदी के बहाव में चलेंगे तो आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, इस वजह से इनका स्पीड भयानक रहता है। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं और जलने लगते हैं। तो याद रखिएगा, उल्का उसी को कहेंगे कि वैसा ही क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के डायरेक्शन में एंट्री मारा है उसी को ही उल्का कहेंगे, और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। देखिए, वैसा क्षुद्र ग्रह जो आया तो है यहीं से, लेकिन ये पृथ्वी के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, देखिए ये ऐसे आ रहा है तो ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में एंट्री मार रहा है। तो जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में एंट्री मारता है उसे हम लोग उल्का नहीं कहते, उसे हम लोग कहते हैं बोलाइट। और बोलाइट का स्पीड कम हो जाता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से एंट्री मारा है। अब आप वीडियो को रोकिए और आंसर दीजिए कि ज्यादा चमकीला कौन दिखेगा, क्योंकि जैसे एंट्री मारेगा हवाओं के घर्षण से ये जलने लगेगा। ज्यादा चमकीला उल्का दिखेगा कि ज्यादा चमकीला बोलाइट दिखेगा? देखिए, यहां समझिए, अगर हम गाल अपना इधर ले जा रहे हैं और इधर से अगर मारे तो कम चोट लगेगा, पता चला गाल इधर ले रहे हैं इधर मार दिए तो ज्यादा चोट लगेगा ना। तो ये आमने सामने टकराया है इसलिए इसमें घर्षण ज्यादा होता है, ये ज्यादा चमकीला दिखता है। अब आगे समझिए, जब ये पृथ्वी पे गिरता है उल्का तो उसे कहते हैं उल्का पिंड। जब कभी भी उल्का गिरेगा तो इसे कहेंगे उल्का पिंड, मेटेरॉइड कहते हैं। लेकिन जब कभी भी ये बोलाइट पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पे गिर जाएगा तो इसे उल्का पिंड ना कह के इसे टेक्टाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेक्टाइट। तो ये यहाँ पर है, जब यह यहाँ पर है तो क्षुद्र ग्रह कहलाएगा, जब ये हवा में है और पृथ्वी के डायरेक्शन में है तो घूमने के डायरेक्शन में तो उल्का, और इधर में डायरेक्शन उल्टा है तो बोलाइट कहलाएगा। लेकिन अगर उल्का गिरा तो उल्का पिंड, और बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट कहलाएगा। लेकिन ये जहाँ गिरेगा, चाहे उस डायरेक्शन में गिरे चाहे इस डायरेक्शन में गिरे, वहाँ एगो इतने बड़का भोंका कर देगा, गढ़ा कर देगा। तो गढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर। तो गढ़ा विच इज मेड बाई द एस्टेरॉयड ऑन द अर्थ इज नोन एज द क्रेटर। तो ऐसा गढ़ा जो किसके द्वारा बना है? एस्टेरॉयड द्वारा बना है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। अब वो चाहे इस डायरेक्शन से उल्का से बने चाहे वो बोलाइट से बने, वो क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा। ये अंतर समझिएगा, जब आप मेंस पेपर लिखिएगा तो पूरा आंसर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल उल्का लिख के आ जाएगा सोचिएगा कि नंबर पूरा मिलेगा हमको। अब ये बोलाइट टेक्टाइट तो अंतर समझ में आ गया ना, उल्का गिरा तो उल्का पिंड, बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट। उल्का का स्पीड ज्यादा क्योंकि सेम डायरेक्शन में लेकिन चमक कम, बोलाइट का स्पीड कम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन चमक ज्यादा। ये दोनों गिरेंगे तो गड्ढा करेंगे, ऐसे गड्ढे को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और ऐसे क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो झील बन जाता है, तो ऐसे झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो एक गड्ढा है तो ये गड्ढा है तो ये क्या कहलाएगा? क्रेटर। लेकिन ये भी गड्ढा ही है और ये उल्का पिंड के गिरने से ही बना है, लेकिन इसमें पानी भर गया इसलिए इसे हम कहेंगे क्रेटर झील। भारत में ऐसा ही एक क्रेटर झील MH यानी महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है लोनार झील। ये बहुत बड़ा झील है, इतना बड़ा है कि देखिए ना, यहाँ शहर बसा हुआ है, इतना में शहर है इतना में झील है। बहुत बड़ा झील का निर्माण किया है ये लोनार झील। अभी ये मई के महीने में लोनार झील का पानी सफेद लाल हो गया था प्रदूषण की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, उस पर वीडियो बनाए हुए थे। ये अमेरिका का एक एरिजोना राज्य है, तो एरिजोना में एक बहुत बड़ा क्रेटर है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो इसे केवल क्रेटर कहेंगे। इसमें पानी भर गया तो क्रेटर झील कहेंगे। यहाँ देख
रहे हैं, दो गो सीबीएसई बोर्ड वाला घूमने गया है सब यहाँ पे एरिजोना में, सब सीबीएसई वाला है, सब बहुत घूमता है सब सीबीएसई वाला। अब किसी ना किसी चीज का तो साइड इफेक्ट पड़ता है, तो इस क्रेटा, ये जो उल्का पिंड गिर रहे हैं यानी ये मेटर और मेट्रॉइड गिर रहे हैं, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इनके कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये रेड रेन करने लगते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लगते हैं, जिस वजह से इनका राख रहता है और ये रेड कलर के रहते हैं, मंगल के पास से आ रहते हैं तो ये रेड कलर के रहते हैं, जिस वजह से जब ये पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं तो उसे लाल वर्षा कहते हैं, रेड रेन कहते हैं। आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, एक होता है आपका एसिड रेन। एसिड रेन कब कहते हैं? कि जब प्रदूषण ज्यादा हो और धूल कण ज्यादा हो जाता है तो हवा में वो धूल कण मिल जाते हैं, जब बारिश होता है तो वो धूल कण साथ में आने लगते हैं, तो वर्षा का जल जो होता है 7 पीएच का न होकर उस प्रदूषण के कारण 5 या 5.5 पीएच का हो जाता है, तो इसे कहते हैं एसिड रेन। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अब वर्षा का जल शुद्ध नहीं रह गया, अब आशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध रह गया, क्योंकि हवा में इतनी गंदगी है, तो गंदगी के कारण हवा का जो पीएच मान घट जाता है, जिस वजह से वो एसिड लगने लगता है हल्का सा, तो उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। जबकि इटली में एक बारिश होती है जिसे हम लोग ब्लड रेन कहते हैं, रक्त वर्षा। देखिए इटली, यहाँ सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से हवाएं चलती हैं ना, तो उसमें बालू की मात्रा आ जाती है, और जब ये भूमध्य सागर को पार करके इटली में बरसती है तो बारिश में से बालू भी बरसता है, तो दूर से लगता है लाल रंग का खून बरस रहा है, इसलिए उसे रेड रेन कहते हैं। जबकि एक होता है आर्टिफिशियल वर्षा यानी कृत्रिम वर्षा, वो सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है कृत्रिम वर्षा, ये ज्योग्राफी में जब हम वर्षा पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी टॉपिक पे आते हैं। तो आप पहला इफेक्ट पढ़ें कि रेड रेन होती है, लाल रंग की बारिश होती है, रक्त वर्षा नहीं होती, रेड रेन। इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है यानी टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ने लगता है। आप देखिए ना, इतने ज़्यादा उल्का पिंड इंट्री मारेंगे मेट्रॉइड और वो जलने लगेंगे, जलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इनसे ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द बैली बेकल ने दिया था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया था। अगला, ये जब पृथ्वी पर इंट्री मारते हैं तो जलने के बाद इनका राख पृथ्वी पर रह जाता है, और अगर ये नहीं जले, उल्का पिंड बन के पृथ्वी पर धबाक से गिर गए, तो भी पृथ्वी का मास जो है वो द्रव्यमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी का मास बढ़ रहा है, और किसी चीज़ का जब मास बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटेशन पावर बढ़ने लगती है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पहले की तुलना में अब ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी मास बढ़ रहा है, किसके वजह से? उल्का पिंड के वजह से। और अगला इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर कोई चीज़ घूम रही है, जैसे हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो घूर्णन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर बोझा लाद दीजिएगा ना, 4-5 किलो का सामान लाद दीजिएगा, तो हमारी स्पीड घट जाती है, तो ये एक्स्ट्रा बोझ ही तो है जो पृथ्वी पर आके गिर रहा है, जिस वजह से पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो घटते जा रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो आज से लगभग 900 मिलियन पहले पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी, तो 18 घंटे का ही दिन होता था, अभी थोड़ा लुसुर घूम रही है, तो लुसुर घूम से दिन अभी 24 घंटा का हो गया है। हम तो चाहते हैं कि इतना ना धीमा घूमे पृथ्वी कि दिन 30 घंटे का हो जाए, लेकिन 900 मिलियन के बाद ये दिन 30 घंटे का होगा। 30 घंटे का हो जाता तो कितना बढ़िया रहता, 6 घंटा में काम कर लेते, बाकी 24 घंटा में अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, समझ गए? दिन छोटा हो जाता है। तो आने वाले 900 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर इतना उल्का पिंड गिरेगा कि एकदम ये लुसरा हो जाएगी, लुसुर समझते हैं, लेजी, और इतना धीमा हो जाएगा कि 30 घंटे का क्या होगा? एक दिन होगा। जल्दी हो काम। आपको पता है कि पृथ्वी झुकी हुई है, तो इसका अगला इफेक्ट ना इसके झुकाव पे पड़ता है। कोई चीज झुका है, ओके, और ला दिए इसे, और ला दिए इसे, तो और झुक जाएगा। तो आज से लगभग, मतलब कई 41 या 42,000 साल पहले पृथ्वी महज 21 डिग्री पर झुकी हुई थी, लेकिन ये उल्का पिंड धबाक 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 गिर के इसको 23.5 डिग्री पर झुका दिए हैं, और एक्यूरेट में अब जो पृथ्वी है वो 23.5 नहीं बल्कि 24 डिग्री के करीब पहुंच चुकी है, इसका मैग्नेटिक पोल भी खिसक रहा है। तो अब दोबारा अगर गणना होगा ना, जिस तरह से हिमालय 8,848 से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 हो गया ना, वैसे अब पृथ्वी लगभग 24 डिग्री पर इंक्लाइंड कर रही है इसी उल्का पिंडों के वजह से। और लास्ट तो आपको पता ही है कि इस पे क्या होता है, क्रेटर बन जाते हैं, गढ़ा बन जाता है, जहां गिरेगा वहां क्या हो जाता है, गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उल्का पिंड का असर केवल यहाँ पड़ेगा, कुछ उल्का पिंड तो मंगल पर भी गिरते हैं, तो वहाँ कोई रहता ही नहीं है, कौन देखने जा रहा है, तो कंफर्म मंगल पर भी गड्ढे होंगे सब। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टकराने से ये क्षुद्र ग्रह का डायरेक्शन बदले और मंगल आगे चला जाए, पृथ्वी भी आगे चला जाए, तो ये जाके कहाँ गिरेगा, ये सीधे जाके गिरेगा किस पर, बुध ग्रह पर, मरकरी पर, और किस पर गिरेगा, शुक्र ग्रह यानी वीनस पर। अब आप एक क्वेश्चन बताइए, शुक्र और बुध और शुक्र दो ऐसे
ग्रह हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट यानी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है, इनका उपग्रह कौन ले गया? आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा वीडियो रोककर। देखिए इनके जो उपग्रह थे वो साइज में बहुत छोटे थे। ग्रह तो बड़े होते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट छोटे होते हैं, और ये सूर्य के बहुत ज्यादा करीब थे तो सूर्य घींच के अपने में फूंक के जरा दिया उसको। तो इसके पास भी उपग्रह थे, इसके पास भी उपग्रह थे, लेकिन उपग्रह बहुत छोटे थे इसलिए सूर्य घींच लिया। इस सब तनी बड़ है इसलिए नहीं घींच पा रहा है। अब आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां से ये क्षुद्र ग्रह उस पर जा रहे हैं एस्टेरॉइड, ज्यादा गड्ढा किस पर बनेगा? बुध पर ज्यादा गड्ढा बनेगा कि शुक्र पर ज्यादा गड्ढा बनेगा? देखिए आप आंसर देंगे कि सर ये करीब है इस पर धबाक से लगेगा, ज्यादा गड्ढा इस पर बनेगा, और दूर है ससुराल उस पर कम गड्ढा बनेगा। गलत है। देखिए बताते हैं इसका रीजन क्या है। देखिए ये ज्यादा गड्ढा बुध पर बनेगा क्योंकि बुध के बाहर हवाओं की कोई परत नहीं है, कोई भी वहाँ एटमॉस्फियर नहीं है, जिस वजह से यहाँ धबाक धबाक गड्ढा बनेगा। और शुक्र के चारों ओर एटमॉस्फियर है, ये अलग बात है कि उसकी हवाओं में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिससे हम सूंघकर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस पे भी वायुमंडल है लेकिन उस पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इस पे का जो वायुमंडल है ना इस क्षुद्र ग्रहों को वहाँ टकराने से बचा लेगा, ऊपर ही जला के ख़त्म कर देगा, इसलिए इस पर गड्ढे छोटे बनेंगे और इस पर कोई वायुमंडल नहीं है इसलिए भड़ाम भड़ाम गड्ढा बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सबसे ज्यादा गड्ढे किस ग्रह पर है, तो बुध पर है, उसके पास कोई वायुमंडल ही नहीं है। अब वायुमंडल यानी हवा नहीं रहेगी ना तो सूरज की गर्मी को रोक के रख भी नहीं पाएगा, आएगी गर्मी लेकिन चली जाएगी, इसलिए ये सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, ये सबसे ज्यादा गर्म है जिस वजह से सबसे ज्यादा चमकीला है, चमकता है, तो सबसे ज्यादा सुंदर है, पृथ्वी से तुलना रखता है, तो पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की सौतन, पृथ्वी की जुड़वा, जितना नाम है सब ससुरा शुक्र का नाम है। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा गर्म है क्योंकि इसके पास वायुमंडल है, ये गर्मी को लेता है और एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, जबकि इसके पास वायुमंडल नहीं है, वो गर्मी को लेकर रात में छोड़ देता है, जिस वजह से शुक्र दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो ये उल्का पिंड का असर आप दूसरे ग्रहों पे भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि इसका उपग्रह क्यों नहीं है और किसका टेम्परेचर इन दोनों में ज्यादा है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की कि भैया कहीं ये चांदे पे धबाक धबाक गिर जाएगा तब चांद का क्या होगा। देखिए दुर्भाग्यवश ये चांद पर भी गिरते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं क्योंकि मंगलवा घींच के भाग जाता है और उसके बाद आता है पृथ्वी, धबाक से गिर जाता है। और बेचारे हमारे चंद्रमा जी, इस चंद्रमा पर तो वायुमंडल भी नहीं है, हवाएं भी नहीं है, धबाक धबाक गिरता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर क्रेटर बहुत ज़्यादा बना है, इतना ना गढ़ा गुढ़ी चंद्रमा पर बना है ना कि देखेंगे तो केवल गढ़ा है। तो इन गढ़ों को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेटर बने, इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश ज्यादा अंदर नहीं जाता। आप ही बताइए ना, कहीं गढ़ा खोद दीजिएगा तो उसमें रोशनी थोड़ी ना जाएगा ज्यादा, गढ़ा में ज्यादा रोशनी नहीं जाता है, थोड़ा ही रोशनी जा पाता है। तो चंद्रमा की सतह जो है ना पूरी तरह से गढ़ा है, इसीलिए हमारा जो चंद्रयान गया था या फिर ज्यादातर जो भी चंद्रमा पे उतारे जाते हैं यान, उसे सूर्य ज्यादातर गढ़ावे में गिर जाते हैं सर, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है? गढ़ा गढ़ाई है, और इन गढ़ों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गढ़े जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है, तो लोग कहते हैं चांद में दाग है, कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पर कोई दाग नहीं है, चांद पर गढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है, उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा, उर्दू में क्या कहते हैं इसे? महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ महताब देखा है। समझ आ गया कि नहीं? और YouTube है इस पर थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है ससुरा, बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है? चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है? अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है, करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चैछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला।
आई होप आप इसको समझ गए होंगे, चंद्रमा की जो फेजेज होती हैं कलाएं, कि चंद्रमा कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी पूरा फुल वोल्टेज में दिखता है, ये सब चीज़ें, ये तो हम एप्लीकेशन में आपको पढ़ा ही दिए हैं। आपको एप्लीकेशन में हम चंद्रमा के प्रकार भी बता दिए थे कि न्यू मून क्या है, फुल मून क्या है, सुपर मून क्या है, और ब्लू मून तक पढ़ा दिए थे। अब आपको एप्लीकेशन पे बचा हुआ था रेड मून पढ़ाना, अब ये रेड मून आपको एप्लीकेशन पे मंडे के दिन में पढ़ा देंगे। दो सूचना सुनिए, देखिए ज्योग्राफी का एडमिशन क्लोज कर दिया गया था लेकिन बहुत सारे लड़के छूट गए थे, और क्लास लेते समय एप्लीकेशन पे सब यही कहता है सब, सर एडमिशन थोड़ा ओपन कर लीजिए। तो ये जो दीपावली आ रही है तो इसके अवसर पर हम ये ज्योग्राफी का एडमिशन ओपन कर रहे हैं, आप उसमें जाके मिनिमम फी में ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी टोटल चीज कर सकते हैं, पूरा पोर्शन उसमें से आप एकदम ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक का कंप्लीट आप देख लेंगे। आप ऐसे भी टॉपिक देख के तो समझते ही कितना है, तो आप उसमें जाके ले सकते हैं। अभी भी उसका एडमिशन फी कितना 200 रखा गया है। पहला सूचना ये, जल्दी लीजिएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि सर्वर पे ज़्यादा भीड़ नहीं करना है वरना धीमा चलने लगता है सर्वर। दूसरी बात कि जो लोग कॉल कर करके ऑफिस टीम को परेशान कर दिए कि खान सर से कहिए हमारा थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दे, भाई हमें किसी का स्पॉन्सर नहीं करते, हम खुद के बारे में कभी बोलबे नहीं करते तो आपका कहाँ से बोलेंगे। दूसरा ये लोग परेशान करते हैं लोग कि सर आप हमारे पास इतने पैसे ले लीजिए, हमारे यहाँ आके पढ़ाइए, भाई हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ परेशान मत किया कीजिए। इतना परेशान कर देते हैं लोग कि ऑफिस के नंबर को ऑफ करना पड़ता है और फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होने लगती ना, हम यहां प्रचार नहीं कर सकते किसी का, और दूसरा हम कहीं नहीं जा सकते, हमें कोई ले नहीं जा सकता। आप कीमत की बात छोड़िए, हिंदुस्तानी है, हमें प्यार से बुलाया जाता है, खरीद तो कोई नहीं सकता हमें, जिसके रीजन भी है। अगर हमको कोई करोड़ में खरीदेगा तो कल को वो हमारी फीस 200 रुपये तो रखने नहीं देगा, फिर गरीब लड़के मारे जाएंगे। इसलिए आप इसको समझेंगे, एडमिशन जल्दी से लेना होगा जिनको लेंगे, वरना ये फिर बंद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।